वहीं अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद देश दुनिया के राम भक्त धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनकी पूरी कैबिनेट प्रभु राम के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने प्रभु राम का आशीर्वाद लिया। बता दें कि इसके बाद पूरी कैबिनेट सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी पहुंची, जहां पवन पुत्र हनुमान से सभी ने आशीर्वाद मांगा, साथ ही मोक्षदायिनी मां सरयू का भी दर्शन पूजन किया। वहीं अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम भगवान राम के ननिहाल से आए हैं, वहीं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और प्रभु राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 10 वर्ष से अधिक का समय छत्तीसगढ़ में बिताया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी कैबिनेट धर्म नगरी अयोध्या में लगभग 5 घंटे मौजूद रही और छत्तीसगढ़ के और उससे खास किस्म के चावल के साथ शबरी के झूठे बेर भी प्रभु राम के चरणों में अर्पित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है और उनकी नगरी से आज हमारी कैबिनेट आई है। आज हम लोग प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास दौरान 10 वर्ष से अधिक का समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। हम लोग छत्तीसगढ़ से प्रभु श्री राम के लिए शबरी के झूठे बेर और सुगंधित चावल लाए हैं, जो आज प्रभु श्री राम को अर्पित किए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। तो हम लोग मामा गांव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोगों का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहां भगवान राम सबरी के जूट खाए थे। तो आज हम लोग सबरी का जूट मतलब बेर भी लाए हैं, मतलब यहां प्रसाद चढ़ाने के लिए वहां का जल भी लाए हैं, वहां का चावल भी लाए हैं और कई तरह के प्रसाद लाए हैं। भगवान राम का ननिहाल है, मामा प्रदेश से हम सब लोग आए हैं, हमारा पूरा मंत्रिमंडल आया हुआ है। आज भगवान राम का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, ऐसा उनसे प्रार्थना करने आए। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल का ज़्यादा समय करीब 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताए हैं और वही माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ से शिवरी नारायण से बेर भी प्रसाद के रूप में लाए हैं, वहाँ का जल भी लाए हैं, छत्तीसगढ़ से सुगंधित चावल भी लाए हैं और चिरौंजी भी लाए हैं, लड्डू लाए हैं, बूंदी का लड्डू और कई तरह के लड्डू लाए हैं, उषा का वस्त्र लाए हैं उनके परिधान के लिए, इस तरह से तैयारी करके आए हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं।